सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सब अपने अपने घरों में होंगे, मास्क और सैनिटाइजर का यूज जरूर कर रहे होंगे। तो आज हमारे पीछे खड़ी है द ऑल न्यू BS6 बजाज RS 200। काफी ज्यादा 200 सीसी में एक फेवरेट बाइक में बिल्कुल बजट में आपको बाइक देखने को मिलती है सेगमेंट में। तो उसमें दो नए कलर्स आए, मैं आज आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। एक है रेड कलर और एक ग्रे कलर आया। तो दोनों की स्पेसिफिकेशंस, RS की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ, चेंजेस क्या क्या हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखा गया है, सबके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिल्कुल एंड तक देखना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको अभी तक नहीं दबाया तो उस पर घुसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को और देखते रहिए आर्य व्लॉग। सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दी फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक ईगल वाला लुक। यहाँ पे आपको ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हैलोजन है। आपको LED यहाँ पे DRL देखने को मिल जाते हैं और LED ही इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। जो मेन आज हम बात करने वाले हैं इस बाइक के कलर, जो कलर स्कीम नहीं आई है, दो कलर स्कीम आई है, वो ग्रे वाली आपको दिख रही होगी, एक आपको रेड वाली दिख रही है, तो दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो वो ही बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको दोनों के कलर दिखा दूँ बाइक के, तो वो आपको रेड कलर कुछ ऐसा देखने को मिलता है बाइक का, वो आपको रेड कलर की स्ट्राइपिंग देखने को मिलती है। और ये जो रेड कलर है आपको मैट में देखने को मिलता है, ग्लॉसी में देखने को नहीं मिलता है, आपको मैट में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पल्सर की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको रियर में RS 200 भी रेड कलर के स्ट्राइप पे लिखा हुआ दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। इस पर्टिकुलर कलर पे आपको जो पेरीमीटर फ्रेम है वो वाइट देखने को मिलता है और जो आपके अलॉयज है वो भी आपको वाइट देखने को मिल जाते हैं। अगर ये आगे वाला रेड होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, बट आपको रेड कलर की स्ट्राइपिंग देखने को मिल जाती है अलॉयज पे, तो ये जो पर्टिकुलर कलर है ये कुछ ऐसा दिखता है। वहीं अगर मैं बात करूँ ये ग्रे वाले कलर के बारे में, तो ये आपको ग्लॉस में देखने को मिलता है, वो मैट में देखने को मिलता है। तो ग्लॉस में ये कलर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। साइड पैनल आपको बिल्कुल जो पहले ग्रे वाला कलर आता था उसी ऐसा लगेगा, बट जो चेंज दिखेगा वो आपको यहाँ पे पेरीमीटर फ्रेम में दिखेगा जो कि वाइट कलर का हो चुका है। और जो एक और चेंज देखने को मिलेगा वो यहाँ पे जो स्ट्राइप है RS 200 का लिखा हुआ, ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर्टिकुलर जो रेड वाला कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ग्रे वाला कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको 200 लिखा हुआ दिख जाता है। बाइक ओवरऑल बिल्कुल सिमिलर रखी गई है, स्पेसिफिकेशंस भी आपको बिल्कुल सिमिलर ही देखने को मिलती है। डुअल चैनल ABS जो पहले देखने को मिलता था वो अभी भी देखने को मिलता है। तो अब अगर बात कर लीजिए बाइक की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आपको जो राइडिंग क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाने वाली है। ABS के यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट टायर के बारे में, तो फ्रंट में आपको 100x80 सेक्शन का 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है जो कि आता है MRF जैपर की तरफ से। ABS आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है बाइक में। और जो डिस्क है आपको 300mm की आपको पेटल डिस्क देखने को मिल जाती है बाइक में, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अलॉय का जो कलर है वाइट बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आपको रेड कलर की स्ट्राइपिंग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं मडगार्ड के बारे में, तो यहां पे आपको ये कार्बन फाइबर फिनिश के साथ देखने को मिलता है। ऑल्दो ये कार्बन फाइबर का नहीं है, बट आपको ये कार्बन फाइबर फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। बाइक काफी ज्यादा अच्छी लगती है। बाइब्री के आपको ब्रेक देखने को मिलते हैं, दैट इज अगेन बाय ब्रेम्बो। वहां पे आपको 200 की बैजिंग देखने को मिल जाती है बाइक में। जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं बाइक के हर्ड बाइक के इंजन के बारे में, तो कुछ ऐसा आपको इसमें इंजन पूरा कवर्ड देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं बाइक के इंजन के बारे में, तो आपको 199.5 सीसी का 4 स्ट्रोक SOSC 4-वॉल लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क BS6 कंप्लाइंट DTSI इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि पावर पंप आउट करता है 24.5 PS की। और आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है 18.5 Nm का। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक आती है, यानी कि आपको जो रेव रेंज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाने वाली है इस बाइक में। वहीं अगर आप बात कर लीजिए बाइक के टेल सेक्शन के बारे में, तो जो रियर सस्पेंशन है वो आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक देखने को मिलता है जो कि आता है 5-स्टेप एडजस्टेबल के साथ। आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी नीड्स के हिसाब से। वैसे जो कंपनी आपको एडजस्ट करके देती है बिल्कुल परफेक्ट होता है, आप उससे कहीं पर भी जा सकते हो। जैसे हम आते हैं रेयर में, तो यहाँ पे आपको टायर हगड़ देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप इसको वेट में चलाओगे या रेनी सीजन में चलाओगे तो आपके ऊपर जो कीचड़ है जो मड है वो आपके ऊपर नहीं आने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेयर टायर के बारे में, तो आपको 130x70 सेक्शन का 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर देखने को मिल जाता है जो कि अगेन आता है MRF जैपर की तरफ से। जो टायर की ग्रिप है मैं अगेन बोलूंगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छा ग्रिपी टायर देखने को मिल जाता है। अलॉयज का कलर आपको अगेन वाइट देखने को मिलता है और रेड कलर की आपको यहाँ पे स्ट्राइप देखने को मिल जाती है। एल्यूमिनियम स्विंगआर्म इसमें नहीं देखने को मिलता, आपको इसमें बॉक्स शेप स्विंगआर्म देखने को मिलता है जो कि आपको अच्छी खासी हाईवे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देने वाली है। बाइक आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
वे अगर मैं बात करूं डिस्क साइज के बारे में, आपको 230 mm की रियर में डिस्क देखने को मिल जाती है विद डुअल चैनल ABS। ये बाइक अब डुअल चैनल ABS के साथ आती है। वाइब्री के आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, दैट इज अगेन बाय ब्रेम्बो। तो ब्रेकिंग आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है इस बाइक से, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ब्रेकिंग में। तो जैसे आप थोड़ा सा आगे चलते हैं बाइक के टेल सेक्शन की तरफ, तो कुछ इस टाइप का आपको ये अग्रेसिव सा टेल सेक्शन देखने को मिलता है बाइक का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और LED ही टेल लाइट देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोगों को ये टेल लाइट पसंद आती है, बहुत सारों को पसंद नहीं आती है। पर्सनली मुझे ये टेल लाइट काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जो नाइट में इसका लुक आता है वो एक डेविल वाला लुक आता है, बिल्कुल परफेक्ट आपको लुक देखने को मिल जाता है इस बाइक में। RS 200 की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, और जो काफी अच्छा एक जो डिजाइन में आपके बात रखी गई है, आपको जो आपको ग्रैब रेल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, इसमें इंटीग्रेटेड कर दिए गए। जो पिलियन है वो यहाँ पे पकड़ के बैठ सकता है, बिल्कुल काफी ज्यादा फॉर्म बाइक लग रही है। बिल्कुल जो मैट कलर है बिल्कुल सूट कर रहा है इस बाइक पे। अगर आप बात कर ली जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है। जैसे आप इसको ऑन करोगे पूरा एक स्वाइप अप मारेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल लाइट देखने को मिल जाती है, बैटरी की लाइट देखने को मिल जाती है, इंजन माल फंक्शनिंग लाइट, इंजन टेम्परेचर, और ये कोई ब्लूटूथ का लोगो नहीं है, ये आपको बजाज का लोगो इसमें देखने को मिल जाता है। RPM की शिफ्ट की लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ABS की लाइट देखने को मिल जाती है, फ्यूलोमीटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, ओडो देखने को मिल जाती है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 में आप टॉगल कर सकते हो, साइड स्टैंड इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर और मेंटेनेंस इंडिकेटर भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। डिजिटल वाले पोर्शन में टाइम भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। जैसे अब मैं आता हूं इसके स्विच गियर्स की तरफ, तो कुछ इस टाइप का आपको इसमें स्विच गियर देखने को मिल जाते हैं बाइक में, जो कि बैकलाइट है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं नाइट में, मैं लिटरली बता रहा हूं। यहाँ पे आपको पास का स्विच देखने को मिल जाता है, हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाता है, और हॉर्न का स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे हम आते हैं राइट हैंड साइड पे आपको इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, सेल्फ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। वो तो बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, एक एजी लुक आ रहा है बाइक का निकल के। वही जो ये वाला कलर है, ये ग्रे वाला कलर है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें आपको व्हाइट टेक्सचर देखने को मिल जाता है थोड़ा सा इधर, और ये ग्रे कलर पहले भी आता था, और जो यहाँ पे ये जो पेरीमीटर फ्रेम है आपको व्हाइट देखने को मिल जाता है, जो अलॉयज है आपको व्हाइट देखने को मिल जाते हैं। बाइक ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कैसी भी। बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, आप इन दोनों में से जो भी कलर आपको पसंद आया उनकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। मुझे पर्सनली जो रेड वाला कलर है काफी ज्यादा अच्छा। तो यही था अपना वीडियो इन दोनों अमेजिंग बाइक्स के बारे में, दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइक है, आप इन दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हो, जो आपको कलर पसंद है उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी कोई स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं हुई है बाइक में, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो भी वैसा देखने को मिलता है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन थी टायर सेक्शन था, डुअल चैनल ABS, आपको सब कुछ सिमिलर देखने को मिलता है, बट जो कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर दिए। तो इन दोनों में से जो भी आपको पसंद है आप उसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। और मुझे पता है अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो लाइक करते हुए जाना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन उसको अभी तक नहीं दबाया तो उस पर घुसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे ऐसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्य व्लॉग्स।